देखिए, जहाँ तक जामिया मस्जिद का ताल्लुक है, कि जामिया मस्जिद में हमें बैन किया गया कि जो शबे कदर की रात थी वहाँ इबादत के बैन जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई, उसके बाद जुमैतुल विदा था उस पर भी नमाज पढ़ने पे जो है पाबंदी आयद की गई, और अब ईद की नमाज पे पाबंदी आयद हो रही है। मैं समझता हूँ कि यह मजहबी मुदाखलत है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इसके साथ साथ जो है हम ये समझते हैं कि इनका ये दावा कि यहाँ हालात ठीक है, तो इनका पोल खुल जाता है इन चीज़ों से, जब आप मजहबी जो है रसूमात में जो है मजहबी प्रैक्टिसों में जो है मुदाखलत करके उनको जो है आप बैन करते हैं, और इससे जो है मुसलमानों के दिल रंज हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ना कानून ना आईन इसकी इस चीज़ की इजाज़त देता है। और मैं समझता हूँ कि लड़कों को पकड़ के जो है जेलों में डालना, यहाँ जिस तरह बेदर्दी से हमारे जवान मर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस मसले का ये हल नहीं है, इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर, इस पे जो है पॉलिटिकल पेशरफ्त होनी चाहिए। ये कोई मिलिट्री सोल्यूशन इसका नहीं है, इसका कोई गन सोल्यूशन नहीं है। अगर वाकई इनको पीस प्रिवेल करना है, फिर जो है मजहबी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी की बुनियाद पे फैसले होने चाहिए, और हर जो आईन और कानून का तकाजा है, जो हमें आईन और कानून जो है हक देता है, उस पे शब खून मारने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में कि माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, और हमारे जो मजहबी जो है मजहबी जगह जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही है, मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, मुसलमानों के घर उजाड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, मुसलमानों की जो है रोजी रोटी छीनी जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क को जो तोड़ने की साजिश है, इस पे जो है जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी दानिश्वर लोग हैं, जितने भी वाकई इस मुल्क के खैरखा है, उनको आगे आकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जो है यूनाइट करके इस मुल्क को आगे लेना चाहिए। और जहाँ तक ये बैन का ताल्लुक है कि इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं जामे मस्जिद पे जो नमाज होगी ईद की नमाज, मैं समझता हूँ कि उसकी हम मजम्मत करते हैं, हम उस पर सरापा एहतजाज है, और इस पे जो है नजरिसानी होनी चाहिए, अदरवाइज इन चीज़ों से है जो है मजरूह होते हैं मुसलमानों के दिल, और ये इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें ठीक नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि Thank you.